Assalamualaikum guys, hope you're all doing well. So, आज का व्लॉग हम आउटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. It's been a while, हम कहीं properly as a family नहीं गए because of COVID. तो we decided to give Global Village a visit. इसकी opening around October में हो जाती है and closing April में. तो ये for the most part winters में ही लगता है और winters में ही यहाँ जा सकता है बंदा, क्योंकि summers में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है. तो यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल अरेंज किया गया था. हर एंट्री पर कैमराज एंड अराउंड 600 सैनिटाइजर्स इंस्टॉल थे, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज कोविड अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ है पूरी तरह से. सो इट्स बेटर टू बी कॉशियस. ग्लोबल विलेज एयरली लगता है बट हम बहुत कम विज़िट करते हैं. लास्ट टाइम आई थिंक हमने 2 साल पहले विज़िट किया था विद फैमिली जब कोविड का मसला नहीं था. बट लास्ट 2 ईयर्स में इट हैज़ चेंज्ड मच. बहुत सारी चीज़ें बेटर हो गई हैं, नॉट दैट कि पहले अच्छी नहीं थी, बट टाइम के साथ दुबई जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर. पहला स्टॉप हमारा तुर्की था. तुर्किश आइसक्रीम एज़ यू गाइज नो इज़ वेरी पॉपुलर, बट लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई की थी तो मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं आई थी. इट वाज़ टू स्टिकी, बट अदर देन दैट तुर्की इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंट्रीज. तुर्की की हिस्ट्री एंड लेजेंड्स देर ऑल वेरी फैसिनेटिंग, सो नेचुरली मुझे कल्चरली तुर्की बहुत पसंद है. नेक्स्ट हम पाकिस्तान आ गए थे. पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही था, बिल्कुल एक टिपिकल संडे बाज़ार जैसी वाइब्स आ रही थी. सो इट वाज प्रीटी नॉस्टैल्जिक. पाकिस्तान में हमने एक ज्वेलरी स्टोर से कस्टमाइज नेकलेसेस बनवाए. अराउंड 10 मिनट्स में रेडी हो गए थे एंड उसने सारा प्रोसीजर हमारे सामने किया. सो दैट वाज प्रीटी गुड. मेरी बहन ने गोल्ड प्लेटेड नेकलेस चूज़ किया था एंड मैंने सिल्वर चूज़ किया बिकॉज गोल्ड इज़ लाइक नॉट माय कलर. एनीवेज पाकिस्तान में आकर स्ट्रीट फूड नहीं खाया तो कुछ नहीं किया. इतनी डिफरेंट वैरायटीज थी वहाँ, बट नथिंग कैन बीट पानी पूरी, सो वी ऑप्टेड फॉर दैट.
सो नेक्स्ट अप इज़ अमेरिका. अमेरिका बहुत गॉर्जियस था बिकॉज उसकी एंट्रेंस पर पूरी नेटिव अमेरिकन डेकोरेशंस थी जो कि बहुत कैची थी, बहुत मेक्सिको वाइब्स आ रही थी. इट वॉज प्रिटी ग्रेट. Moving on to Russia now. तो यहाँ पर mostly cosmetic and skincare related stalls थे and they looked legit. Other than that, हमने famous Russian dolls भी देखी and we also tried fresh pomegranate juice. जापान में हमने उनके कल्चरल ड्रेसेस देखे जैसे कि किमोनोज एंड सच. उनकी एक्सेसरीज भी बहुत एलिगेंट सी थी वहाँ पर एंड मोस्टली जापानीज मेन एंड वेमेन लाइक टू अडॉर्न देमसेल्व्स. तो उसके हिसाब से जापान भी बहुत डेकोरेटिव था. नेक्स्ट अप इज़ थाईलैंड. थाईलैंड अपने रिलीजियस बिलीव्स, टूरिज्म और थाई फूड के लिए फेमस है आई बिलीव. आई मीन लोग थाई फूड की बहुत तारीफ करते हैं बट मैंने पर्सनली कभी वो ट्राई नहीं किया तो आई कांट से फॉर श्योर. सीरिया में हमने ऑल ओवर मिडिल ईस्ट में जो ट्रेडिशनल कपड़े पहने जाते हैं वो देखे एंड वहाँ पर हमने यूटेंसिल्स देखी जो मोस्टली अरब हाउसहोल्ड्स में यूज़ होती हैं. अफगानिस्तान में हमने इतनी डैजलिंग ज्वेलरी देखी एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट अफगानिस्तान फेमस भी वुमेंस ज्वेलरी एंड क्लोथ्स के लिए है. मैं पर्टिकुलरली एक हेड पीस ढूंढ रही थी वहाँ पर लेकिन वहाँ अवेलेबल नहीं था. अपार्ट फ्रॉम दैट अफगानी खानों की तारीफ तो सबने ही सुनी होगी. हमने बहुत सारे पवेलियंस का टूर किया. फिर हम इजिप्ट आ गए. इजिप्ट भी हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया. फिर हम ये डिसाइड कर रहे थे कि इस बार कौन सा क्विजीन हमें ट्राई करना चाहिए तो इवेंचुअली हमने तुर्किश क्विजीन के लिए ऑप्ट किया.
इतनी सारी तुर्किश वैरायटीज़ अवेलेबल थी एंड रेस्टोरेंट का स्टाफ इतना वेलकमिंग एंड स्वीट था। हमने फिर बारबेक्यू चिकन शीश तवुक और शवरमा प्लेटर ऑर्डर किया एंड इवन उसकी प्लेटिंग एंड ऑल भी इतनी एपेटाइजिंग और नीट थी। एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और ये रेस्टोरेंट टू स्टोरी था, इसका अपर फ्लोर इतना प्रिटी था, सो इट वाज ऑल ओवर अ वेरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस। एनीवेज, खाना खाने के बाद हमने सऊदी अरेबिया एंड यमन को वंस ओवर दिया। सऊदी हमने बस एक बार विज़िट किया था लास्ट ईयर जब हम उमरा करने गए थे। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट मक्का एंड मदीना के आगे सिटीज़ हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। एंड यमन से हमारी थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी है क्योंकि मॉम के पेरेंट्स का ताल्लुक टेक्निकली यमन से था, सो देयर इज़ दैट। And that was the end of our tour. थोड़ी और mindless exploring के बाद हम घर चले गए थे। Global Village का tour करना is as fun as it is exhausting. So that is all for today's vlog. Hope you love this mini world tour. Take care and Allah Hafiz.